हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिंपली फूड एंड फ्लेवर्स में। आज मैं बनाऊंगी कच्चे चावल की और एक नई नाश्ता। ये देखिए फ्रेंड्स कि हमारा ये वाली नाश्ता कितनी सॉफ्ट एंड मुलायम बनी है और खाने में उतना ही टेस्टी है। ये वाली नाश्ता आप ना कभी बनाए होंगे ना कभी खाए होंगे। आप एक बार इसको बना के फैमिली को खिलाएंगे ना आपको बार बार यही नाश्ता बना के लिए डिमांड करेंगे। और इसके साथ मैं अलग अंदाज से एक चटनी बनाकर दिखाऊंगी जो कि इस नाश्ते का स्वाद दोगुना बढ़ा देगा। मेरे घर में तो अक्सर इसको बनाते रहती हूँ। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। नाश्ता बनाने से पहले हम लोग एक मज़ेदार चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक पैन को गर्म कर लूँ। उसमें डालेंगे एक टेबल स्पून तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है। इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून और साथ में डालेंगे मैं यहाँ पे 2 बड़ी टेबल स्पून सफ़ेद तिल और साथ में डालेंगे हम लोग 2 यहाँ पे लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्ची। यहाँ पे आधी छोटी चम्मच से भी कम थोड़ी सी जीरा, उसको डाल देंगे और उसको थोड़ी सी भुनेंगे। मीडियम फ्लेम में ही भुनेंगे और यहाँ पे मैं भूनते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो गया है। हमारा तिल से अच्छे से खुशबू आने लगी है। उतना ही हमको भूननी है, ज़्यादा नहीं भूननी है, नहीं तो तिल जो हम लोग डाले हैं उसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा। तो गैस को बंद कर लेते हैं और उसको ठंडी होने देते हैं। और यहाँ पे हमारा अच्छे से ठंडी हो गई है। उसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। यहाँ पे मैं मिक्सर में डाल दूँगी। अब इसमें डालेंगे कटी हुई नारियल और यहाँ पे थोड़ा सा इमली ली हूँ, इमली को डाल देंगे और साथ में डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा गुड़। गुड़ डालने से सारे में हमारा जो मिश्रण है वो बैलेंस रहेगा तो बहुत ही टेस्टी आएगा इसमें से। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। ये देख सकते हैं हमारा पेस्ट एकदम बढ़िया से बन गया है, पेस्ट बन गया है, ये देख सकते हैं। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, ऐसे करते हुए यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ज़बरदस्त ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पे तड़का लगा लेते हैं। तो चलिए तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैं तड़का पैन को गरम कर ली हूँ और उसमें डाल लेंगे 2 टेबल स्पून तेल। तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें डालेंगे राई आधी छोटी चम्मच, जीरा आधी छोटी चम्मच और साथ में डालेंगे आधी छोटी चम्मच उड़द दाल। और यहाँ पे हमारा सरसों और जीरा तड़क गया है। इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, 3 हरी मिर्चों को काट के रखी थी उसको डाल देंगे और कड़ी पत्ता को भी ऐसे डाल देंगे। और यहाँ पे गैस को बंद कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देंगे और उसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और सारे मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देख सकते हैं मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप राइस ली हूँ। ये बासमती राइस है, ये देख सकते हैं। आप कौन सी भी राइस ले सकते हैं, रेगुलर यूज़ करने वाले राइस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको भिजाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 घंटे से पहले भिजा ली थी। ये देख सकते हैं अच्छे से भीग गया है। आप सवेरे नाश्ता बनाएंगे तो रात भर भी भिगो के रख सकते हैं, उसके बाद उसका नाश्ता बना सकते हैं। तो उसका सारे पानी उसको निकाल लेते हैं और यहाँ पे मैं सारे पानी निकाल के यहाँ पे डाल लेंगे हम लोग। और साथ में डालेंगे यहाँ पे 2 बड़ी टेबल स्पून दही और जितना दही लेते उससे आधा पानी यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे मैं डालूंगी 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा और यहाँ पे 2 हरी मिर्चें डालूंगी। ये बहुत तीखे वाली है, इसी हिसाब से आप डालना है यहाँ पे। और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से उसको पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं अच्छे से उसको पीस ली हूँ, ये देख सकते हैं।
ये देख सकते हैं पीछे से देखने से एक लेयर जैसे है, ऐसे ही पीसना है। और यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ली हूँ, उसमें डाल देंगे सारे मिक्सिंग को हमारा। तो चलिए उसको एक ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पे भी एक तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैं एक तड़का पैन को बैठा दी हूँ, गरम कर ली हूँ। उसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑयल। हमारा तेल गर्म हो गया है, उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच सरसों लहराई, आधी छोटी चम्मच जीरा, और साथ में डालेंगे उड़द दाल और थोड़ी सी कड़ी पत्ता। और उसमें डालेंगे एक बड़ी प्याज को ऐसे काट के रखें, उसको डाल देंगे। और फ्लेम को मीडियम से लो रखते हुए थोड़ी सी प्याज को भून लेते हैं। प्याज अच्छे से भून गया है, ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है, गैस को बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे बैटर के ऊपर। अब उसमें डालेंगे हम लोग कटी हुई हरी धनिया, एक छोटी सी गाजर को ऐसे कद्दूकस करके डाल दे रही हूँ ताकि हमारा नाश्ता बहुत ही सुंदर दिखे और थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे गाजर को डाल दे रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 सैशेट इनो का सॉल्ट। आप इनो का सॉल्ट नहीं डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/4 1/4 के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं मिक्सर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पे तड़का पैन में ही आज बनाने दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे तड़का पैन को गर्म कर ली हूँ, उसमें डालेंगे थोड़ी सी तेल आधी छोटी चम्मच करीब। और आंच को यहाँ पे हम लोग हाई रखेंगे, हाई फ्लेम में ही हम लोग बटर डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो गया है, एक चम्मच यहाँ पे डालने लगे हैं। और बटर डालने के बाद तुरंत हम लोग मीडियम टू लो कर देंगे और 3 मिनट के लिए उसको अच्छे से बेक होने देते हैं या सेकने देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ढक्कन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ढक्कन हटा कर देख लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे एक साइड अच्छे से हो गया है, उसको एक चम्मच की सहायता से उसे पलट लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सुंदर सा कलर आया है। उसको भी दूसरी तरफ से अच्छे से बेक होने देते हैं या सेकने देते हैं। और ये देख सकते हैं ये हमारा हो गया है, उसको वैसे निकाल लेते हैं प्लेट में। ऐसे ही सारे हम लोग यहाँ पे नाश्ता बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा नाश्ता बन के तैयार है, ये देख सकते हैं। और साथ में ये चटनी रख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा नाश्ता कितना बढ़िया से बना है, आगे से और पीछे से भी बहुत ही बढ़िया बना है। और सपने उसका देखिए, ये देखिए बहुत ही फ्लॉपी बना है, उसको तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। देखिए देख सकते हैं ये जो जालीदार है उसको पता चलता है कि हमारा नया वाला नाश्ता बहुत ही अच्छा बना है। बनाइए खाइए। और ये वाला नाश्ता आपका कैसे बना है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।